सीड एक्ट में बदलाव की तैयारी और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है किसान बुलेटिन में। ये एक अच्छी खबर विंटर सेशन में हो सकता है हम देख सकते हैं कि एक नया सीड एक्ट जो है पुराने सीड एक्ट 1966 को रिप्लेस करे। क्या खामियां हैं मौजूदा एक्ट में जो कि जिनको दुरुस्त किया जा सकेगा? देखिए, जो सीड एक्ट आप 1966 के बात कर रही हैं वो 2004 में एक एफर्ट हुआ था सीड बिल 2004 लाकर, जो अभी तक पार्लियामेंट में कभी आता है कभी बाहर चला जाता है और ये प्रोसेस चलती रही है। बहुत जटिल थी क्योंकि इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी थी, बहुत सेंसिटिव इशू है और इतना टाइम लगा इसको 2004 से लेकर अभी तक कुछ इस पर निर्णय नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि ये दो अगर अगले विंटर सेशन में आता है उससे पहले भी, पहली बात तो यह है कि इस पर बहुत चर्चा होने की जरूरत है जैसे कि पहले हुआ था, और फिर इसको विंटर सेशन में लाया जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आपका जो सवाल है कि भाई इसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए, मैम जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में पहले कहा कि ट्रुथफुली लेबल्ड सीड जो 55% सीड जो है वो इंडस्ट्री द्वारा दिया जाता है उसमें अधिकांश जो है वो ट्रुथफुली लेबल्ड होता है, यानी सेल्फ सर्टिफिकेशन होती है प्राइवेट सेक्टर को कि आप बताते हैं कि सब हमारा भी सर्टिफाइड के लेवल का है। मुझे लगता है कि उसको बिल्कुल बंद करने की जरूरत है, उसको बिल्कुल खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि चाहे एक एक्रेडिशन लैब बनाई जाए सीड एक्ट के तहत जिसमें वो सर्टिफाई की प्रोसेस के माध्यम से ना पूरा जो होता है वो ना पालन किया जाए, लेकिन कम से कम जो स्टैंडर्ड है वो अश्योर किए जाए कि सीड के स्टैंडर्ड उतने ही हैं जो कि सर्टिफाइड प्रोसेस में होते हैं। यानी कि बीज कंपनियां जो प्राइवेट बीज कंपनियां हैं उनकी जवाबदेही तय करने पर जोर होगा, एक बात तो ये है। दूसरा ये है अनिका जी कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो सीड की लायबिलिटी के ऊपर है। बहुत बार देखा गया है कि सीड फेल हो जाता है फील्ड में लेकिन कंपनियां पीछे हट जाती हैं, कहती हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कभी मौसम को ब्लेम करेंगी, कभी सॉइल को ब्लेम करती हैं, कभी किसान को करती हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि बिहार में पायनियर कंपनी का सीड जो है फेल हो गया था और मक्का का, और नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर थे, सारा बर्डन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को उठाना पड़ा था। ये बहुत प्रोमिनेंट केस है, तो ये इसी को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है बिल के अंदर कि कंपनियां कैसे लायबल हों जब लॉस होता है सीड का। यानी अगर बीज का लॉस सोइंग पे ही हो जाता है तो ठीक है, आपने सीड की कॉस्ट पे कर दी, लेकिन जब अगर सीड सेटिंग पे जब क्रॉप बिल्कुल रेडी है अगर उसमें उसमें फल नहीं आता या उसमें बीज नहीं आता है क्रॉप में, तब कंपनियों को पूरी जो 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 उसमें क्रॉप लॉस हुआ है जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है वो भी उसका भी प्रावधान होना चाहिए किसान को सबमिट करने के लिए। यानी कि आप कॉम्पेंसेशन देने की बात कर रहे हैं। इसमें एक और बात सामने आ रही है कि जुर्माना भी लगाया जाएगा और उसकी रकम काफी ज्यादा बताई जा रही है, 5 लाख। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है, 5 लाख रुपए होना चाहिए क्योंकि 500 रुपए या 2000 रुपए ये सीट कंपनियों के लिए कोई मैंने नहीं रखता है, और मुझे लगता है कि बल्कि 5 लाख के साथ में कोई जेल टर्म भी साथ में होनी चाहिए, क्योंकि आज तक हमने कभी सीट एक्ट के द्वारा किसी को भी अंदर नहीं किया आज तक, और जबकि सीट जो है इतना इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है या इतना इंपॉर्टेंट इनपुट है किसान के लिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। और दूसरी बात है देवेंद्र जी, एक और बात बताएं कि देश में जीएम बीज की भी एंट्री हो चुकी है। हमने हाल ही में ऐसे तमाम केसेस देखे जहां HTBT कॉटन की पैरवी कर रहे थे, कुछ किसान संगठन भी उसमें शामिल थे और वो उसको बोने की इजाजत देने की मांग कर रहे थे। तो ऐसे में जो पूरी जो जीएम बीज है जो उसकी पूरी सप्लाई चेन है उस पर भी नकेल कसने की जरूरत है, और क्या इस एक्ट में उसका भी प्रावधान होगा? अभी तक तो एक्ट हमने पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन उसमें एक जो रास्ता नजर आ रहा है वो ये है कि जब उन्होंने कहा कि ट्रेसिबिलिटी पूरी होगी, उसमें बार कोड होगा बीज के पैकेट पे, तो कम से कम जैसे ये इलीगल सीड्स हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, चाहे वो BT के भी हों, कई जगह पे वो भी हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो HT हर्बिसाइड टॉलरेंट जो कॉटन आ रही है वो जो इलीगली फार्मर्स ग्रो करते हैं उस पर नकेल कसी जाएगी, क्योंकि जब आपके बार कोड होगा तो वो ट्रेस करके बता देगा कहाँ से आया है और इसको लेना चाहिए किसान को कि नहीं लेना। जिसके ऊपर बार कोड नहीं है जिस पैकेट के ऊपर, किसान उसको ऑब्वियसली रिजेक्ट कर सकता है और उसको एक जेल की प्रावधान भी हो सकती है। और ये भी देखा गया कि किसान अपने खुद के बीज बनाते हैं, तो क्या उनको भी बीज बनाने के लिए किसी तरह की ट्रेनिंग या प्रेरित किया जाएगा ताकि, और जो कंपनियां हैं वो उसकी जिम्मेदारी लेंगी?
कि बी मुझे जो है मुझे पता चला है इसमें खबर में कि वो खबर से वो ये पता चला है कि जो किसानों का अपना सीड जो सेव करते हैं और वो उसको बचा के फिर लगाते हैं उस पर कोई नकेल कसने की जरूरत नहीं है, वो उसको 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 टच नहीं किया जाएगा, यानी वो सर्टिफिकेशन के दायरे में नहीं लाया जाएगा। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है कि भी क्या किसानों को प्रेरित किया जाएगा, वो तो मुझे लगता है कि वो प्रोसेस चलता ही है, क्योंकि जो भी सीड के प्रोडक्शन में आता है उसकी ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा है कि जो किसानों का अपना बीज है उसको फार्मर राइट्स के अंतर्गत उसका इस्तेमाल करने का उसको प्रावधान होना चाहिए और उसके ऊपर कोई सर्टिफाइड सीड का या सर्टिफाइड करने की कोई जरूरत नहीं है।